के दूसरे सेमीफाइनल में भी शानदार मैच देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी मौके पर कमाल किया और पाकिस्तान को हरा दिया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में पहुंच गई। अब खिताब के लिए ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेट ने 19वें ओवर में लगातार 3 छक्के जड़ अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल भी बिल्कुल न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच जैसा हुआ, जहां आखिरी ओवर्स में पूरी बाजी पलट गई। ऑस्ट्रेलिया को 24 बॉल में 50 रनों की जरूरत थी। मैच पाकिस्तान की गोद में जाता हुआ दिख रहा था, लेकिन सब कुछ बदल गया। 18वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 15 रन बनाए और इस ओवर में 1 छक्का 1 चौका आया, जिससे मैच के रुख में बदलाव आया। ऑस्ट्रेलिया को जब 12 बॉल में 22 रनों की जरूरत थी, तब मैथ्यू वेट ने कुछ ऐसा कमाल किया कि उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। 19वें ओवर की 3री बॉल पर हसन अली ने मैथ्यू वेट का कैच छोड़ दिया था। बस पाकिस्तान के लिए मैच और फाइनल का टिकट भी यहीं छूट गया। मैथ्यू वेट ने इसके बाद लगातार 3 छक्के जड़े और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। टी20 वर्ल्ड कप के इस सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने 176 रनों का बड़ा स्कोर बनाया था। इतने बड़े प्रेशर वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए ये लक्ष्य आसान नहीं था। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद रिजवान ने 67 और फखर जमान ने 55 रनों की पारी खेली, जबकि ऑस्ट्रेलिया की पारी जब शुरू हुई तब कप्तान एरोन फिंच के रूप में शुरुआती झटका लगा। डेविड वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया की ओर से 49 रनों की पारी खेली, लेकिन आखिर में कमाल स्टोइनिस और मैथ्यू वेड ने किया। स्टोइनिस ने 40 और मैथ्यू ने 41 रनों की धुआंधार पारी खेली। मैथ्यू वेड ने 19वें ओवर में लगातार 3 छक्के जड़ अपनी टीम को फाइनल का टिकट दिलवाने में कामयाब रहे। टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इस बार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें पहुंची हैं, यानी ये तो तय है कि इस बार दुनिया को एक नया टी20 चैंपियन मिलने जा रहा है। दोनों ही टीमें अभी तक किसी भी टी20 वर्ल्ड कप को नहीं जीत पाई हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का खुद का एक पुराना इतिहास है, ऐसे में इस लड़ाई पर हर किसी की नजर होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।